बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, राजधानी रायपुर से खबर, जहां सीनियर आईएएस नीलकंठ टेकाम राजनीति में एंट्री ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ से दूसरा आईएएस नौकरी छोड़ राजनीति में जाने के लिए तैयार है। आईएएस नीलकंठ टेकाम ने वीआरएस के लिए आवेदन दिया है। तो 2008 बैच के आईएएस अधिकारी है नीलकंठ टेकाम। कांकेर जिले के आंतागढ़ में ही उनका जन्म हुआ था। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो एक और आईएएस का नाम सामने आ रहा है जो आप अपनी जॉब छोड़ राजनीति में एंट्री ले सकता है। केशकाल से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पहले ओपी चौधरी ने नौकरी छोड़ी थी और अब इनका नाम सामने आ रहा है। तो नीलकंठ टेकाम का नाम भी सामने आ रहा है। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर पांडे लाइव जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, देखिए पहला मामला नहीं है, इससे पहले ओपी चौधरी की बात करें तो उनका केस सामने आया था और अब ये दूसरा केस है, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से बातें अब सामने आ रही कि नीलकंठ टेकाम जो है वो जल्दी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं क्योंकि अभी उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन दे दिया। निश्चित तौर पे अगर ऐसा होता है तो ये दूसरे आईएएस होंगे जिन्होंने बीजेपी का जो दामन थामेंगे। इसके पहले अगर हम बात करें तो ओपी चौधरी काफ़ी वरिष्ठ थे, काफ़ी सीनियर कलेक्टर थे, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा था कलेक्टर छोड़ के, और अब नीलकंठ टेकाम क्योंकि ये कोंडागांव के कलेक्टर भी रह चुके हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है अगर ये बीजेपी का दामन थामते हैं तो केशकाल जो विधानसभा है लगातार कांग्रेस को वहाँ से बीजेपी को वहाँ से लगातार तीन बार हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर नीलकंठ टेकाम बीजेपी के दामन थामते तो निश्चित तौर पर बीजेपी उनको केशकाल से चुनाव लड़ने का मौका दे सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से आईएएस पद को छोड़ के कलेक्टर पद को छोड़ के जो लोग हैं अब वो शामिल हो रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी इससे फायदा हो सकता है। फिलहाल अभी सिर्फ ये अटकलें हैं, 2008 बैच के ये आईएएस रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन किया है तो अटकलें यही लगाई जा रही कि जल्द वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चलिए फिलहाल अटकलें सामने